हाय फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 2% डीए की घोषणा ऑलरेडी कर दिए हैं। तो आइए आज डियरनेस अलाउंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को डियरनेस अलाउंस क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। डियरनेस अलाउंस एक कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट अलाउंस होते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स को मिलते हैं। डीए हमेशा बेसिक सैलरी के एक परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट होते हैं। आप सुने होंगे कि डीए 2% बढ़ा है या डीए 6% बढ़ा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होते हैं कि आपके बेसिक पे का कितना परसेंट डीए बढ़ा है। यानी कि अगर आपका बेसिक पे 21,000 रुपये है और अगर 2% डीए बढ़ा है, इस यानी कि 420 रुपये आपका सैलरी बढ़ा है। और अगर आपका बेसिक पे 21,000 रुपये हैं और अगर आपको सिर्फ डीए मिलता है 100% के हिसाब से, तो आपका टोटल सैलरी जो बनता है वो होता है 42,000। तो हमें पता तो चल गया कि डीए कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पर डीए होता क्या है? देखिए, डीए होता है महंगाई भत्ता। यानी कि इन्फ्लेशन के साथ साथ जो पैसे का परचेजिंग पावर कम होता रहता है, उसके कारण गवर्नमेंट एक पे प्रोटेक्शन देता है अपने एम्प्लॉयज़ को। अगर कोई एम्प्लॉयज़ 21,000 के सैलरी स्ट्रक्चर पे एंट्री जॉब में आते हैं, तो 1-2 साल के बाद वो 21,000 का वैल्यू तो 21,000 नहीं रहता है ना, इन्फ्लेशन के कारण वो कम होता रहता है। तो वही अगर 21,000 रुपये प्रोटेक्ट करना है उस वैल्यू को, तो गवर्नमेंट को एक अलाउंस देना पड़ता है और इसी का नाम है डियरनेस अलाउंस। तो जैसे कि हम बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि गवर्नमेंट में तो मज़े हैं, बीच बीच में डीए बढ़ता रहता है और सैलरी भी बढ़ता है, तो ये सैलरी इंक्रीमेंट नहीं है। सैलरी इंक्रीमेंट तो तब होता है जब आपका प्रमोशन होता है, जब पूरा स्ट्रक्चर पे स्केल जो होता है वो चेंज हो जाते हैं, तब आपका एक्चुअल इंक्रीमेंट होता है। बाकी जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है वो तो करना ही पड़ता है, क्योंकि एज के साथ साथ आपका फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है। इसके कारण आपको एक एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है आज के डेट पे जो 3% है, और डीए आपको मिलता है ताकि आप महंगाई का सामना कर पाएँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है उन लोगों को पब्लिक सर्वेंट के काम करना पड़ता है, यानी पब्लिक के लिए काम करना पड़ता है, और इसमें बहुत सारे मुश्किलात सामना करना पड़ता है। और अगर उन लोगों को इतना एश्योरेंस ना मिले कि हाँ महंगाई कहीं पे भी पहुँच जाए, गवर्नमेंट मेरे लिए मेरे सैलरी को प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि मेरे सैलरी का एक्चुअल जो वैल्यू है, पैसे का जो एक्चुअल कीमत है वो प्रोटेक्ट करेगा, इतना एश्योरेंस तो उन लोगों को मिलना चाहिए। और इसीलिए जो है डीए गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं। हाँ, आप लोग कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसे डायरेक्टली डीए नहीं मिलता है, गवर्नमेंट में कुछ सिस्टमेटिकली मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो 2 बार सालाना डीए आपको मिलते हैं। अगर आप सीपीएससी एम्प्लॉय है तो क्वार्टरली बेसिस में मिलते हैं, पर उसका परसेंटेज कम होता है इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है, प्राइवेट में भी आपको महंगाई दर के हिसाब से सैलरी मिलता है। आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरी है वो आप अगर देखें 5 साल पहले, 6 साल पहले, उससे काफ़ी ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि इन्फ्लेशन के वजह से पैसे का जो एक्चुअल कीमत है वो कम हो गया है। तो डीए डायरेक्टली या सिस्टमेटिकली प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को, या कोई सेल्फ एम्प्लॉय अगर है तो उनको डायरेक्टली तो नहीं मिलता है, पर इनडायरेक्टली वो भी कैलकुलेशन में आ ही जाता है। गवर्नमेंट में क्योंकि हर एक चीज़ सिस्टमेटिकली होना चाहिए, इसीलिए डीए एक सिस्टमेटिक तरीके से दिया जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का हेल्प लेते हैं और उस हिसाब से डीए प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न भी रहता है कि डीए के हिसाब से बहुत सैलरी बढ़ जाता है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। जैसे कि आज के डेट में अगर हम एग्ज़ाम्पल उठा लें कि एक क्लास 1 ऑफिसर, या गवर्नमेंट में अगर कहें कि ग्रुप ए ऑफिसर, जिनका एंट्री पे आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7th पे कमीशन 56,100 रुपये है, उनका ये 2% डीए बढ़ने के कारण सिर्फ 1,100 रुपये के करीब कुछ सैलरी जो है वो बढ़ा है। जबकि एक ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ के लिए ये पैसा जो 18,000 एंट्री पे के अनुसार आते हैं, उनके लिए ये सिर्फ 360 रुपये बढ़ा है।
तो ऐसे बहुत कुछ पैसा नहीं बढ़ा है, और जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई सैलरी इंक्रीमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक पे प्रोटेक्शन है। तो आज मेरा इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हाँ गवर्नमेंट में बहुत पैसा मिल जाता है, बहुत सैलरी बढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस स्केल में आप एंट्री ले रहे हैं उसी स्केल में आपका जो भी पे है उस पे को प्रोटेक्ट किया जाता है डीए के द्वारा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को रेस्पेक्ट कीजिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हमारे लिए ही है, ये हमें सोच लेना चाहिए। और आगे चल के हम लोग इसके ऊपर और वीडियो बनाएंगे। आपको अगर इस वीडियो में कोई भी चीज़ आप एग्री नहीं करते हैं तो वो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।